क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को एक बेहतरीन कप्तान और एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स को राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में धूल चटा दी और इस शानदार मुकाबले को 15 रनों से अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, एक वक्त पर दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला 99% जीत चुकी थी और 99% राजस्थान रॉयल्स की टीम ये तूफानी मुकाबला हार चुकी थी। लेकिन इस मुकाबले में एक ऐसा पल आया और संजू सैमसन ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि पूरे मैच का रुख बदल गया। दोस्तों, आइए आपको ले चलते हैं वो रोमांचक पल के ऊपर जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। 200 आखिरी में जीत के लिए 12 गेंदों पर 36 रनों की दरकार थी दिल्ली कैपिटल्स को। ललित यादव स्ट्राइक पर बल्लेबाज से उनके सामने रोमन बल्लेबाज से। दोस्तों, आप सभी को बता दें, दोनों ही बल्लेबाज आमने-सामने बल्लेबाजी कर रहे थे। युजवेंद्र चहल को छोड़कर प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी कराने का फैसला किया संजू सैमसन ने और सिर्फ उनको गेंद ही नहीं थमाई, उनको बताया कि कौन सी लेंथ पर गेंदबाजी करनी है और वह लेंथ थी ऑफ साइड ऑफ। दोस्तों, इस लेंथ को पकड़कर ही प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी करनी थी क्योंकि संजू सैमसन ने उन्हें पहले ही समझा दिया था। अब संजू सैमसन काफी ज्यादा रिस्क ले रहे थे क्योंकि तेज गेंदबाज की अंतिम ओवरों में काफी ज्यादा पिटाई होती है और बल्ले का थोड़ा सा भी एज लगने पर या तो चौका जाता है या तो छक्का जाता है ऑफ साइड पर गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन फिर भी संजू सैमसन ने रिस्क लिया। 212 गेंदों पर 36 रनों की दरकार थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली गेंद रखी, वो शानदार तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा ने डॉट कर दी। 200 उसकी अगली गेंद डाली प्रसिद्ध कृष्णा ने, वो भी डॉट कर दी। उसकी अगली गेंद पर विकेट निकाली प्रसिद्ध कृष्णा ने, 3 गेंदों पर 3 डॉट की। 200 उसकी अगली 3 गेंदों को भी इतनी शानदार रखी प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर कि बल्लेबाज एक सिंगल रन तक नहीं चुरा पाया। 200 जिसके चलते 19वें ओवर में एक भी रन नहीं आया। जी हां, 200 प्रसिद्ध कृष्णा ने 19वें ओवर में एक भी रन नहीं दिया जिसके चलते आखिरी 6 गेंदों पर 36 रन लगाने की दरकार थी दिल्ली कैपिटल्स को और 36 रन नहीं लगा पाए रोमन पोवेल जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम 15 रनों से मुकाबला जीत गई। अगर सैमसन यह डिसीजन नहीं लेते, मैकॉय को 19 ओवर कराते तो 19वें ओवर में ही 20-25 रन वो खा लेते जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला जीत जाती। लेकिन संजू सैमसन ने अपनी कप्तानी से पूरा मैच बदल दिया और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी गेंदबाजी काफी ज्यादा शानदार की। तो दोस्तों, आप राजस्थान की शानदार जीत को और संजू सैमसन की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, संजू सैमसन की सेना राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आखिरी ओवर का रोमांच आप सभी को तो पता ही है। इस मुकाबले में काफी ज्यादा हंगामा हो गया आखिरी ओवर में जिसके चर्चे अब ऊपर तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, एक कॉन्ट्रोवर्शियल मामला बन चुका है इस मुकाबले का आखिरी ओवर। दोस्तों, आइए आपको पूरी घटना पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जैसे ही रोमन पोवेल ने 19वें ओवर की चौथी गेंद खेली थी तो चौथी गेंद के बाद बुरी तरह से ऋषभ पंत भड़क गए और ऋषभ पंत भड़क कर वापिस से बल्लेबाजों को मैदान छोड़कर पवेलियन में आने की धमकी देने लगे। जी हां दोस्तों, उन्होंने पवेलियन में से इशारा किया कि हमें क्रिकेट नहीं खेलना है, आप दोनों ही बल्लेबाज वापस पवेलियन आ जाइए। इसके पीछे की वजह यह थी कि रोमन पोवेल ने जो शॉट खेला था वो फुल टॉस गेंद पर खेला था और अंपायर ने यह नहीं चेक किया कि वो फुल टॉस गेंद कमर के ऊपर है या कमर के नीचे है। अगर कमर के ऊपर होती है तो नो बॉल होता है, नो बॉल के चलते एक एक्स्ट्रा बॉल मिलती है बल्लेबाज को और ये मुकाबला काफी ज्यादा क्रूशियल था क्योंकि 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा चुके थे रोमन पोवेल। इस वजह से काफी बुरी तरह से भड़क उठे ऋषभ पंत, यहां तक कि दोनों ही बल्लेबाजों को वापस पवेलियन में आने को कहा और रोमन पोवेल मैदान छोड़ भी चुके थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल की मैनेजमेंट ने समझाया ऋषभ पंत को कि लेकिन आप रूल्स के खिलाफ कर रहे हैं जिसके चलते वापस से रोमन पोवेल आए बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी इस गेंद को चेक नहीं किया गया, हालांकि ये गेंद नो बॉल थी, नो बॉल नहीं दिया गया। अंपायर की गलती की वजह से दिल्ली कैपिटल्स को अंत में मुकाबला हारना पड़ा। जी हां दोस्तों, अंत में आकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुकाबला जीत नहीं पाई और 15 रनों से राजस्थान रॉयल्स ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों, हार के बाद ऋषभ पंत काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, अंपायर्स के ऊपर बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आए और अंपायर की गलती को पूरी तरह से बता दिया उन्होंने मैदान पर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत ने सही किया गलत, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। 200 समाप्त चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का तूफानी मुकाबला। 200 आप सभी को बता दें, मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक था। 200 जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम 223 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी राजस्थान रॉयल्स के, तब आखिरी 6 गेंदों पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत के लिए 36 रन चाहिए थे 6 गेंदों पर। जी हां दोस्तों, 6 गेंदों पर 36 रन चाहिए थे, ऐसे में बल्लेबाजी कर रहे थे और कोई नहीं वेस्ट इंडियन रोमन पोवेल और वेस्ट इंडियन गेंदबाज मैकॉय। दोस्तों, पहली गेंद जैसे ही मैकॉय ने पोवेल को रखी तो पोवेल ने उठा दिया बल्ला और जड़ दिया सामने की ओर छक्का और पहली गेंद पर आ गया छक्का। अब 5 गेंदों पर चाहिए थे 30 रन, ऐसे में अगली गेंद फेंकने आए मैकॉय। जैसे मैकॉय ने सामने की गेंद रखी तो फ्लिक कर एक और छक्का जड़ दिया पोवेल ने, जिसे देख सामने खड़े बल्लेबाज कुलदीप यादव भी हैरान होकर रह गए। दोस्तों, अब जीत के लिए अंतर कम हो चुका था, 4 गेंदों पर 24 रनों की दरकार थी रोमन वेस्ट इंडियन खतरनाक बल्लेबाज से। अगली गेंद जैसे ही फुल टॉस रखी मैकॉय ने तो इसे भी जोर से बल्ले पर घुमा दिया और यह भी कही गई छक्के की ओर। जी हां दोस्तों,
लिए भी गेंद गई छक्के की ओर। ऐसे में अब 10 मिनट के लिए बहस हो गई क्योंकि इस गेंद पर नो बॉल की चर्चा हो रही थी। रोमन पोवेल अंपायर से बात कर रहे थे और पवेलियन में ऋषभ पंत काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। लगभग 10 मिनट तक ये पूरी बहस का मामला चला और 3 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी क्योंकि नो बॉल नहीं दिया गया। अब सभी की नजरें रोमन पोवेल के ऊपर। युजवेंद्र चहल की वाइफ पीछे मैदान पर बैठी हैरान हो चुकी थी। सभी की नजरें रोमन पोवेल के ऊपर थी और वो 3 गेंदों के ऊपर थी क्योंकि 18 रन चाहिए थे। जैसे ही अगली गेंद रखी मैकॉय ने तो एक बार और जोर से बल्ले को फ्लिक किया पोवेल ने, लेकिन ये गेंद हो गई डॉट जिसके चलते अब जीत नामुमकिन हो चुकी थी। पोवेल एक गेंद पर गलती कर बैठे और ये गेंद डॉट हो गई। दोस्तों अब जीत के लिए 2 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी। अगली गेंद पर फ्लिक शॉट खेलकर पोवेल ने दौड़ कर लिए 2 रन। दोस्तों आप सभी को बता दें अब आखिरी गेंद पर 16 रनों की दरकार थी जो एक नामुमकिन सी बात थी। दोस्तों उसकी अगली गेंद पर जोर से बल्ले को फ्लिक किया, बल्ले का एज लेकर गेंद जा रही थी हवा में पोवेल के और गेंद के नीचे आ गए कप्तान संजू सैमसन, जिसके चलते पोवेल की एक नामुमकिन पारी हो गई समाप्त और यहीं पर झटका लगा दिल्ली कैपिटल्स को क्योंकि उनके हाथ से मुकाबला छटक चुका था। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स एक मुकाबला हार गई आखिरी ओवर में। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 15 रनों से तूफानी मुकाबला अपने नाम किया। जी हां दोस्तों आखिरी ओवर में 15 रनों से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शानदार मुकाबला अपने नाम किया। दोस्तों कैसा लगा आपको अंतिम ओवर का पूरा रोमांच, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। सबसे पहले इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने टॉस जीता संजू सैमसन के खिलाफ और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम। दोस्तों एक और बार जॉस द बटलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की तूफानी मुकाबले में और बेहतरीन बल्लेबाजी करते इस मुकाबले में हद से ज्यादा भयंकर स्कोर बनाया। सबसे पहले इन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया और इनका बेहतरीन साथ दे रहे थे देवदत्त पड़ीकल जो दूसरे सलामी बल्लेबाज थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आतंक मचा कर रख दिया और तूफानी बल्लेबाजी की। देवदत्त पड़ीकल ने इस मुकाबले में अच्छी पारी खेली, 54 रनों की धाकड़ पारी खेली। दोस्तों अंत में आकर वो खलील अहमद की हिस्से की यॉर्कर को पढ़ नहीं पाए और विकेटों के बीचों बीच पाए गए, जिसके चलते इस मुकाबले में देवदत्त पड़ीकल 54 रन बनाकर सिर्फ 35 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए। उनके बाद संजू सैमसन आए थे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों इन्होंने 46 रनों की अंतक नाबाद पारी खेली। दोस्तों लेकिन जॉस द बटलर ने इस मुकाबले में सबसे ज्यादा तूफानी और भयंकर बल्लेबाजी की। देखते ही जॉस बटलर अपने शतक तक पहुंच गए और इसी सिंगल के साथ जॉस बटलर ने अपना शतक भी पूरा किया। जी हां दोस्तों इस सीजन का 3रा तूफानी शतक लगाया जॉस बटलर ने और इस मुकाबले में सबके रोंगटे खड़े कर दिए अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जॉस बटलर ने। दोस्तों आप सभी को बता दें अंत में जॉस बटलर मैच फिनिश कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे संजू सैमसन। संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी इस मुकाबले में 46 रनों की पारी खेली 19 गेंदों में। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद जॉस बटलर मुशफिजुर रहमान की इस गेंद पर 116 रन बनाकर 65 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट का अवैध। इसी के चलते दिल्ली कैपिटल्स को स्कोर दिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 222 रन का। जी हां दोस्तों राजस्थान की टीम ने 222 रन लगा दिए थे सिर्फ 2 विकेट के नुकसान। समय टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम। दोस्तों दिल्ली की शुरुआत इस मुकाबले इस बार ज्यादा बेहतरीन नहीं रही। जाएं के पहले सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर इस तरीके से अंदर आधी गेंद को प्रसिद्ध कृष्णा की पढ़ नहीं पाए और एज लेकर गेंद गई सीधा संजू सैमसन के दस्तानों में, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में 28 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते हुए आउट होकर रह गए डेविड वार्नर। दोस्तों उनके पास सरफराज खान बल्लेबाजी करने आए थे लेकिन ये भी स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में अश्विन की गेंद पर सामने खड़े प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी कैच दे बैठे और इस मुकाबले में आउट हो गए मात्र 1 रन बनाकर। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में इनिंग को जारी रखा था, लेकिन ये भी प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद पर पड़ीकल को अपनी कैच में ऋषभ पंत एक अच्छी पारी खेलकर आउट होकर रह गए इस गेंद पर। दोस्तों आप सभी को बता दें प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद थी, पड़ीकल ने इनकी कैच पकड़ी, 44 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए कप्तान ऋषभ पंत अपनी पारी विकेट गवा बैठे। लेकिन पहले सलामी बल्लेबाज जो खेल रहे थे वो भी इस मुकाबले में आउट हो गए, जिनका नाम था पृथ्वी शॉ। अश्विन की सामने की गेंद पर बोल्ड को अपनी कैच दे बैठे पृथ्वी शॉ 37 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद अक्षर पटेल 20 तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए चहल की गेंद पर मात्र 1 रन बनाकर। जी हां दोस्तों 4 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन बनाकर चहल की गेंद पर आउट होकर रह गए अक्षर पटेल। उनके बाद ठाकुर बल्लेबाजी करने आए थे लेकिन ये भी 10 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों आखिरी में 6 गेंदों पर 36 रनों की दरकार थी। रोमन पोवेल ने 3 छक्के तो लगा दिए थे लेकिन 5वीं गेंद रोमन पोवेल भी आउट होकर रह गए इस तूफानी मुकाबले में, वो भी 36 रन बनाकर, जिसके चलते राजस्थान ने 15 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों 15 रनों से राजस्थान ने दिल्ली को तूफानी मुकाबला हरा कर रख दिया है। तो दोस्तों आप राजस्थान रॉयल्स की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार